दोस्तों, खेसारी लाल और पवन सिंह काफी विवादों में होने के बाद भी फिर से एक ही साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में पवन सिंह एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि खेसारी लाल मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हालांकि खेसारी लाल ज्यादा तो बोलते हैं लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान है। खैर, वैसे तो बहुत जल्द खेसारी लाल और पवन सिंह एक साथ में नजर आने वाले हैं। आप लोग कितना खुश हो इन दोनों लोगों को एक साथ देखकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर शेयर करें। वैसे दोस्तों, आप लोगों को बताते चलूं, पवन सिंह के भी काफी सारे सॉन्ग कुछ अपकमिंग भी हैं, तो कुछ सॉन्ग इनके आ भी चुके हैं। उन सभी सॉन्ग में से कुछ कुछ सॉन्ग शायद आप लोग सुन भी चुके होंगे। बताना चाहूंगा दोस्तों, खेसारी लाल का हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, होली सॉन्ग मामला चोरी के। आज के डेट पर यह सॉन्ग काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अगर आप लोग इस सॉन्ग को सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पर इस सॉन्ग को खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो रिलीज किया गया है, जहाँ पर जाकर आप लोग इस सॉन्ग को बड़े आसानी से आप लोग सुन सकते हो। वैसे अगर आप लोगों ने इस सॉन्ग को ऑलरेडी सुन रखा है तो आप लोगों को कैसी लगी यह सॉन्ग, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। पवन सिंह अगर सॉन्ग की बात करें तो पवन सिंह के भी एक पिछले ही समय सॉन्ग रिलीज किया गया था, होली सॉन्ग टिकुलिया ए राजा। यह भी सॉन्ग आज के समय काफी बढ़िया ट्रेंड कर रही है। वैसे पवन सिंह से रिलेटेड इस सॉन्ग के अपडेट इसी चैनल पर बहुत जल्द आ जाएगी, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। वैसे दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में हर दिन किसी न किसी सिंगर का सॉन्ग आ ही जाती है। उन सभी सॉन्ग का अपडेट देना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सभी सॉन्ग का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ऐसी वीडियो में आप लोगों को बताते चलूं, दीपक दिलदार को शायद आप लोग जानते ही होंगे। दीपक दिलदार काफी समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। हालांकि इनका कुछ खास सॉन्ग नहीं चलता है, लेकिन अभी हाल ही में इनका एक सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वह सॉन्ग है मर्द हवे पेंटर रंगेला सेंटर। यह सॉन्ग आज के डेट पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अगर आप लोग इस सॉन्ग को सुनना चाहते हो तो इस नाम से अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आसानी से आप लोगों को इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो मिल जाएगी। काफी सारे चैनलों पर यह सॉन्ग अवेलेबल है। वैसे अगर आप लोगों ने इन सभी सॉन्ग में से ऑलरेडी अगर आप लोगों ने कुछ सॉन्ग को सुन रखा है तो आप लोगों को सभी सॉन्ग में से कौन सी सॉन्ग सबसे बेस्ट लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जाने से पहले दोस्तों, आप लोग बताइएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोगों को कौन से सिंगर का सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद होता है, कमेंट सेक्शन में सिंगर का नाम जरूर लिखें। फिलहाल दोस्तों, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा, या छोटी सी भोजपुरी सॉन्ग अपडेट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आप लोगों की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा। आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई लोग, ये नया चैनल है, सेकंड चैनल कुछ प्रॉब्लम के कारण डिलीट हो गया था। ये चैनल को ग्रोथ करने में भाई लोग काफी ज्यादा समय लग सकता है। अगर आप सबका सपोर्ट आ तो बहुत जल्द हम सबका ये चैनल ग्रोथ हो सकता है। फिलहाल चलिए भाई लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।